हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले के कोफ्ते, जिसके लिए मैंने केले लिए हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया है। कुकर में डालकर 2 से 3 सीटी में हमारे केले अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। लिया है धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, गरम मसाला, बेसन और 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और नमक स्वाद अनुसार। तो केलों में डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। हम केले के कोफ्ते बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला और बेसन डालकर हम केलों को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। 5 किलो में हम 4 से 5 चम्मच बेसन यूज करेंगे। तो मैश कर लेते हैं इनको। आपको जितने बड़े बड़े कोफ्ते बनाने हैं इतने बड़े बना सकते हैं। तो इस तरह से हम गोल गोल कोफ्ते बना लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। तो हम कोफ्ते सेक लेते हैं। ये मेरे टमाटर मैंने हल्के से तेल में भून दिए थे। टमाटर भुना होगा तो हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, उसकी करी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो कोफ्ते हमने बना लिए हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, गैस मीडियम रखेंगे। मीडियम गैस पर ही सेकना है, तेज पर नहीं सेकना, नहीं तो हमारे कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो कोफ्ते हमारे सिक गए हैं। इसी तरह से हमें अपने कोफ्ते सेकने हैं। तो निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो कोफ्ते हमारे सिक गए हैं। तो कोफ्तों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे जीरा, ऑयल हमारा गरम था, करी पत्ता, टमाटर का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। मसाला हमें इतना भूनना है कि मसाला तेल छोड़ने लगेगा। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। इससे हमारी कोफ्तों की करी बहुत अच्छी बनती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा भुन गया है तो ऐड करेंगे पानी। आपको जितनी करी रखनी है इतना पानी ऐड करना है। इसको बॉईल होने देते हैं। ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें कम ही ऐड करना है क्योंकि कोफ्तों में भी हमारे नमक है। से 4 मिनट इन्हें ढक के हम ऐसे ही पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए, देख लेते हैं। तो हमारे कोफ्ते की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। क्योंकि रखे रखे भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। बंद कर देते हैं गैस को।
देखिए आपको मैं कोफ्ता काट के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए तो हमारे केले के कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरे केले के कोफ्ते की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे केले के कोफ्ते कैसे लगे।